नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। छठे गड्ढा में आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें पीआरटी और टीजीटी के पद हैं, उसको लेकर के एक बार फिर से घोषणा हुई है। ये घोषणा किस राज्य से हुई है उसकी बात इस वीडियो में करेंगे, और कितने पदों को लेकर के यहाँ पर बात की गई उसकी बात भी करेंगे। 5 तारीख आपकी है 4 अगस्त 2024 की, और चंडीगढ़ से ये आपका न्यूज निकल करके आई है कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग जो है जल्द शुरू करेगा 250 नए टीचर्स की जो है वो भर्ती। इसके अंतर्गत जेबीटी, जेबीटी प्राथमिक को यहाँ पर कहते हैं, तो जेबीटी के 150 और टीजीटी के 100 पद जो है वो शामिल होंगे। समग्र शिक्षा के अंतर्गत चंडीगढ़ शिक्षा विभाग जल्द 250 टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। इनमें जेबीटी के 150 और टीजीटी के 100 पद शामिल होंगे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हर सुहेंदर पाल सिंह जो बराड़ है, उन्होंने बताया कि नए अकेडमिक सेशन में स्टूडेंट्स की शिक्षा प्रभावित न हो, साथ ही सीबीएसई की गाइडलाइन और एनईपी 2020 के मुताबिक पीपल टीचर रेशियो का अनुपात भी सही हो। यहाँ पर देखिए तो उत्तर प्रदेश वाला हाल नहीं है। इसके लिए विभाग ने पिछले साल ही रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में तेजी ला दी थी। इससे पहले विभाग 993 टीचर्स के रिटर्न एग्जाम ऑलरेडी ले भी चुका है, जिनमें जेबीटी के 396 पद थे, नर्सरी टीचर के 100 थे, लेक्चरर के 98 थे, स्पेशल एजुकेटर के 96 और टीजीटी के 303 पद इसमें शामिल थे। 96 स्पेशल एजुकेटर का जो मामला है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में है। कोर्ट के द्वारा मामले का निर्णय लिए जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। वर्तमान में इस प्रक्रिया पर कैट की रोक है। बराड़ ने यह भी बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 3 कमेटी जो है उनके द्वारा किया जाता है। 96 स्पेशल एजुकेटर को छोड़ करके बाकी अन्य पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो एक कमेटी द्वारा पूरी ऑलरेडी की जा चुकी है। अन्य 2 कमेटियां अगले कुछ दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगी। अगस्त अंत में इन टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना शुरू भी कर दिया जाएगा, और टीचर्स डे यानी 5 सितंबर तक इनकी ज्वाइनिंग की उम्मीद है। इससे पहले टीचर्स की प्रमोशन का काम संपन्न कर लिया जाएगा। जिक्र योग है कि पिछले साल शिक्षा विभाग ने यूटी के स्कूलों में रिक्रूटमेंट के लिए टीचर्स के पदों को बहाल करने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार ने मार्च और अक्टूबर में कुल 1096 पदों को बहाल करने की अनुमति जो है वहां पर दी थी। तो यहां पर पहले वाला जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और नए जो पद हैं उसको लेकर के यहां पर घोषणा हो गई है, और ये है 250 टोटल नए पद। अब आपका एक सवाल आएगा कि क्या यहाँ का शिक्षक भर्ती पास होना आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 396 जो पद थे प्राइमरी के, जिन पर शिक्षक भर्ती को लेकर के आवेदन लिए गए थे, जहां पर जो आवेदन लिए गए थे वो लिए गए थे वही आपके फरवरी माह में स्टार्ट हुए थे, मार्च माह में जहां उसकी लास्ट तारीख थी और एग्जाम उसका 28 अप्रैल को हुआ था, उसको लेकर के जो क्वालिफिकेशन थी वो थी कि डीएलएड आपका होना चाहिए और सीटेट प्राइमरी का आप एग्जाम पास हो तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो ये पिछली बार का क्वालिफिकेशन था। अगर कोई बदलाव होता है तो नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसमें देख लेंगे, बाकी पिछले वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य से आप यदि सीटेट पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।